आत्मनिर्भर भारत मुहिम से प्रेरणा लेकर करनाल के एक युवक ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित गाय के गोबर से ऐसी चिप तैयार की है जो मोबाइल रेडिएशन के साथ साथ टावर से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन के प्रभाव को कम करेगी। भरत शर्मा का दावा है कि इस चिप से मोबाइल व टावर रेडिएशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। भरत ने गाय के गोबर से कई अन्य उत्पाद भी तैयार किए हैं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में सफल है। आज करनाल में उनकी बनाई गई चिप व अन्य उत्पादों को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बाटला ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार निरंतर स्वरोजगार पर बल दे रही है, युवाओं को आगे आकर ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को साकार रूप देना चाहिए जिससे देश आत्मनिर्भर बने। भरत ने गाय के गोबर से जो उत्पाद तैयार किए हैं वह एक शुरुआत है, सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भरत शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा सरकार द्वारा हिसार में गाय के गोबर से उत्पाद करने का एक शिविर लगाया गया था जिसमें उन्होंने पंचगव्य से काफी चीजें सीखी। वहां से लौटकर उन्होंने इस पर खुद काम किया। अभी वह कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि गाय में पर्यावरण को बचाने, रोजगार देने व नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के अद्भुत क्षमता है। गाय के महत्व को स्थापित करते हुए उन्होंने गाय के गोबर से हवन सामग्री, दिए, अगरबत्ती व अन्य कई उत्पाद तैयार किए हैं। खासियत सर ये है, इसके अंदर सारा कुछ पंचगव्य से रिलेटेड यूज किया गया है। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, गौमूत्र, दूध और दही, इसे तैयार करके पंचगव्य बनाया है। क्या क्या प्रोडक्ट है इसके अंदर? हमने हवन सुविधा बनाई है, हवन सामग्री बनाई है, धूप बनाई है लुबान की और गुलाब से चंदन की, दीपक बनाया है, कंडा बनाया है शाम को घर में धुनी देने के लिए, ये सब बनाया। एंटी ट्रेडिशनल चिप बनाई है, एक देसी गाय के गोबर से तैयार की गई। इस चिप की क्या खासियत है? इस चिप की खासियत यह है, ये रेडिएशन को कम करेगी, जो हमारे को फ़ोन से रेडिएशन मिलते हैं और जैसे टावर से रेडिएशन मिलते हैं उसको कम करेंगे, इसको प्रभाव को। तो इसका यूज़ सर हम अपने फ़ोन के पीछे कवर में लगा के इसको रख सकते हैं यहाँ पे, तो इससे ये जो हमारे को इफेक्ट आता है रेडिएशन का हमारे शरीर में पड़ता है वो कम हो जाएगा उससे। ये प्रेरणा सर मैं गौशाला में काम करता हूँ तो वहाँ से किसी ने बताया पंचगव्य पे काम करो, तो हमारा पंचगव्य का एक शिविर लगाया था हरियाणा सरकार ने काबरेल गांव हिसार में, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे सारी चीज़ें बन रही थी तो इनको आगे मैंने खुद अपनी गौशाला में बनाया, तो वहाँ से लॉन्चिंग करी आज इसकी। तो आगे अब आप क्या चाहते हो? आगे सर मैं यही चाहता हूँ बस सारे लोग एक देसी गाय घर में पालें और देसी गाय के उत्पाद को यूज़ करें, और इससे हमारा यह है कि एक तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है, गाय जो लकड़ियाँ कट रही हैं इनको बचाया जा सकता है, और देसी गायें जहाँ भी खड़ी हो वहाँ तो नकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं है, इसके लिए सारा काम शुरू किया है बस।